सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी अलग होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली किसी गेम की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेमिंग कंपनीज की। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं गेम की कंपनीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक हकदार है अ शॉर्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने हमें ऐसे ऐसे गेम्स दिए हैं जिनको हम कभी शायद भूल नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स उनके लिए एक गेम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और फ्रेंड्स अगर उन्होंने गेम बनाना बंद कर दिया तो फिर हमारी गेमर्स की दुकानों में भी शटर लग जाएगा। और फ्रेंड्स क्योंकि गेम्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए हैं सारे बच्चों की लाइफ में, फिर चाहे वो पबजी हो या फिर मारियो। सो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो उन्हीं गेमिंग कंपनीज के ऊपर है जो बहुत ही मेहनत करती है हम लोग तक गेम डिलीवर करने में। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में उन टॉप 5 गेमिंग कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हमें बहुत सारे तगड़े और मस्त गेम दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ मेरा व्यू है, आप चाहें तो कमेंट में अपने फेवरेट गेम कंपनी को भी बता सकते। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बगल में घंटा दिख रहा होगा वो भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स फिफ्थ पोजीशन पे जो अपने पास कंपनी है वो है वार्नर ब्रदर्स की। फ्रेंड्स वार्नर ब्रदर्स बेसिकली एक सुपर हीरो कंपनी है जो कि सुपर हीरो मूवीज़ और बहुत सारी टाइप की मूवीज़ बनाती है। बेसिकली उसकी मूवीज़ एक्शन थ्रिलर होती हैं। और फ्रेंड्स वो काफ़ी समय से गेम पे भी ध्यान दे रही है, और फ्रेंड्स उसके गेम भी बहुत अमेजिंग है। फ्रेंड्स उसने हमें बहुत सारे अमेजिंग गेम्स दिए हैं जैसे कि बैटमैन की पूरी आर्कम सीरीज़, मॉर्टल कॉम्बैट की पूरी सीरीज़, इनजस्टिस की पूरी सीरीज़, डाइंग लाइट और फियर 2। और फ्रेंड्स उसने बहुत सारे गेम्स दिए हैं लेकिन मैं ये उन गेम्स की बात किया हूँ जो कि उसके प्राइमरी और सबसे बेस्ट गेम्स हैं। और फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही बड़ी है जो अपने गेम्स पे भी काफ़ी ध्यान देती है। लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी समय से वार्नर ब्रदर्स का कोई बेस्ट गेम ही निकला है। मेरे ख्याल से जो उसके बेस्ट सीरीज़ हैं वो है बैटमैन की आर्कम सीरीज़ और मॉर्टल कॉम्बैट की सीरीज़। इसके बाद से ये कंपनी सिर्फ उनके पार्ट्स निकाल रही है और कोई नया गेम हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने इस कंपनी को फिफ्थ पोजीशन पे रखा है। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ पोजीशन की तरफ जो कि है बायोवेयर कंपनी। फ्रेंड्स बायोवेयर कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी तो नहीं है क्योंकि वो अभी रिसेंटली आई है इस गेमिंग बिजनेस में, जहाँ पे सारी गेमिंग कंपनीज़ को लगभग 30 से 40 साल हो गए हैं, वही बायोवेयर को सिर्फ 12 साल हुए हैं। सो फ्रेंड्स बायोवेयर ने भी हमें बहुत ही कूल गेम्स दिए हैं। और फ्रेंड्स बेसिकली ये वैसे गेम बनाती है जो रोल प्लेइंग टाइप के होते हैं जिसमें हम लोग खुद के ऑप्शंस खुद से चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके गेम्स में आते हैं मास इफेक्ट की पूरी सीरीज़, ड्रैगन एज की पूरी सीरीज़, एंथम, जेड गेट, ब्लैडर्स गेट की पूरी सीरीज़ और भी बहुत सारे गेम्स। लेकिन फ्रेंड्स इस कंपनी ने अभी ज़्यादा गेम्स रिलीज़ नहीं किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस गेम की मेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि इसने अभी तक अपने जितने गेम निकाले हैं सभी हिट हुए हैं, कोई भी ऐसा गेम नहीं हुआ जो फ्लॉप गया हो ऑडियंस की नज़रों में। जब से ये कंपनी आई है तब से ये सिर्फ अपना प्रॉफिट कर रही है, शायद इसीलिए ये जल्दी गेम्स नहीं निकालती है। ये बेसिकली 2-3 साल में एक गेम निकालती है जो कि बहुत ही बढ़िया होते हैं। सो फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूँ अपने थर्ड पोजीशन की कंपनी की तो वो है कैपकॉम। फ्रेंड्स कैपकॉम बेसिकली एक वेल एडजस्टेड कंपनी है इस पूरे गेमिंग इंडस्ट्री में। और फ्रेंड्स इसने हमें ऐसे ऐसे गेम्स दिए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं। फ्रेंड्स इसके प्राइमरी गेम्स में आते हैं DMC की पूरी सीरीज़ और रेसिडेंट ईविल की पूरी सीरीज़। फ्रेंड्स बस ये दो गेम ही काफ़ी हैं इस गेम कंपनी के बारे में बताने के लिए। और फ्रेंड्स इसका एक और गेम है जो मेरे को बहुत ही पसंद है, वो है ड्रैगन डोगमा स्टार्क अरिजन। सो फ्रेंड्स ये भी बेसिकली बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसके गेम की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए ये गेमिंग कंपनी हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे है। फ्रेंड्स बेसिकली ये कंपनी फोकस करती है जॉम्बी और डेविल्स टाइप के गेम्स में, मतलब ये जो कंपनी है ये हॉरर टाइप के गेम ज़्यादा बनाती है और यही इसकी खासियत है।
सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड पोजीशन की तरफ, जो कि है EA गेमिंग कंपनी। फ्रेंड्स, EA बेसिकली एक स्पोर्ट्स गेमिंग कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स के गेम्स ज़्यादा बनाती है। आपने जितने भी स्पोर्ट्स के गेम्स खेले होंगे, चाहे वो फीफा हो या फिर क्रिकेट या फिर कोई भी गेम, वो बेसिकली EA ही बनाती है। और फ्रेंड्स, इसने लेजेंडरी सीरीज़ यानी कि NFS की सीरीज़ भी इसी ने बनाई है। फ्रेंड्स, ये कंपनी बेसिकली शूटिंग गेम्स में बहुत ही कम इंटरेस्टेड होती है और ज़्यादातर ये रेसिंग और इसी टाइप की गेम्स बनाती रहती है। और फ्रेंड्स, ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया है, और अगर हम लोग इसका स्पोर्ट्स के गेम्स से मुकाबला करें तो इस कंपनी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और हाल ही में इसने अपना एक नया गेम निकाला है पबजी के खिलाफ, जो कि है एपेक्स लेजेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एपेक्स लेजेंड्स खेलिए, वो एक बहुत ही बढ़िया गेम है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है हम लोग का अपने फर्स्ट पोजीशन पे मूव करने के लिए। और फ्रेंड्स, फर्स्ट पोजीशन पे और कोई नहीं, यूबीसॉफ्ट है। फ्रेंड्स, यूबीसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि कितने भी कंपनियां आई और गईं, लेकिन यूबीसॉफ्ट अपनी जगह पे टिकी रही। और फ्रेंड्स, बेसिकली इस कंपनी ने हमें ऐसे ऐसे गेम्स दिए हैं फ्रेंड्स, जो कि मेरी नज़र में तो बहुत ही बढ़िया है। इसने हमें स्प्लिंटर सेल की पूरी सीरीज़, असैसिन्स क्रीड की पूरी सीरीज़, फार क्राई की पूरी सीरीज़, प्रिंस ऑफ पर्सिया की पूरी सीरीज़ और भी बहुत सारे मस्त मस्त गेम्स दिए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बेसिकली आज 2019 में इस कंपनी का कोई भी कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती है। कितनी सारी कंपनियां आई और गईं, पर यूबीसॉफ्ट अपनी जगह पे टिकी रही और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने यूबीसॉफ्ट का कोई ना कोई एक गेम तो ज़रूर खेला होगा। और फ्रेंड्स, यूबीसॉफ्ट के गेम्स तो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगा। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आगे जाके फ्यूचर में इस कंपनी का कोई भी कंपनी मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ दो ही है, वो है बायोवेयर और कैपकॉम, क्योंकि कैपकॉम ने भी बहुत बढ़िया गेम दिए हैं और बायोवेयर सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचती है और इसीलिए वो 2-3 साल में एक गेम निकाल दिए। सो या फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट वीडियो, होप यू लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।